मैं आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी फिश फ्राई। फिश फ्राई के लिए मैंने ये मछली के पीसेस ले लिए हैं 250 ग्राम। इसको टूथपिक से इस तरह से पहले इसको इस तरह से कर लूँगी। ताकि इसमें सारा मसाला इसको इस तरह से इसलिए कर रही हूँ सारा मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसका टेस्ट फीका फीका ना लगे, इसलिए इसको टूथपिक से इस तरह से कर रही हूँ। पीसेस को मैं कर लूँगी करूँगी। इसके लिए मैंने एक चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है, एक चम्मच प्याज पेस्ट, हाफ चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक चम्मच हरी मिर्च और कुटा हुआ अदरक। ये सब इसलिए हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही बेहतर होता है, इस वजह से मैंने हरी मिर्च भी लिया। और ये एक नींबू का रस, इसको मैं इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी, मैरिनेट करके छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। सारे को मिक्स करके इस तरह से तैयार कर रही हूँ। इसमें हाफ कप कॉर्नफ्लोर डालूँगी, डाल चुकी हूँ हाफ कप, एक चम्मच बड़े चम्मच से चावल का आटा। नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, नमक उसमें भी डाल दिया इसलिए हिसाब से ही डालना है। कुटी हुई मिर्च लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, बैटर को इस तरह से तैयार। बैटर को इस तरह से तैयार, हल्का हल्का पानी डाल, डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, कलर अच्छा लगने के लिए इसमें फूड कलर मैंने डाला है। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, चला दिया है। इसमें तेल डाल रही हूँ, तेल पकने जाने पे नेट किया हुआ फिश इसमें डिप कर रही हूँ। देखिए मछली के पीस को मैंने अच्छे तरीके से डिप कर लिया है, तेल पक चुका है, इसमें डिप करके तो
ये फिश फ्राई हो रहा है, क्या है कि क्रंची हो, मैंने पकाया है, ये पक चुका है बहुत अच्छी तरीके से। मेरा फिश फ्राई बेहतरीन फ्राई हुआ है। इसको इस तरह से डाल रही हूँ, सारे पीसेस को एक एक करके मैं तैयार कर लूँगी। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ इस तरह से, कितना क्रंची हुआ है, ब्राउन हुआ है। कितना क्रिस्पी हुआ है, कितना बेहतरीन, ये देखिए आपको मैं तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। देखिए कितना बेहतरीन हुआ है, फिश फ्राई मेरा तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चल right, huh?